अस्सलाम वालेकुम। पहले आज मैं बनाऊंगी करेले। इन करेलों को मैंने पहले लगाया है नमक, अब इन्होंने पानी छोड़ दिया। ये देखें ऐसे। अब इनको मैं अच्छी तरह से वाश करूंगी। अच्छी तरह से वाश करने के बाद इनको मैं करूंगी तेल में फ्राई। ऑयल डाल देंगे। करेले फ्राई हो रहे हैं और प्याजों को मैंने लंबी शक्ल में काट लिया। जब करेले अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो उसमें मैं प्याज शामिल करूंगी। अब देखें करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें ऐड करूंगी प्याज। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। ये देखें प्याज अब ब्राउन होना शुरू हो गया। अब इसमें मैं टमाटर ऐड करूंगी। साथ में थोड़ी सी हल्दी शामिल करूंगी। करेलों में रेड मिर्ची नहीं डाल देना ही सब्ज मिर्ची, उससे करेले और ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं। और थोड़ा सा सूखा धनिया शामिल करेंगे। बस इसमें नमक, हल्दी और सूखा धनिया बस डाल दें करेलों में, बाकी मसाले इसमें नहीं डालते। इसमें मैं ढक्कन दे दूंगी और आंच को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कर दूंगी। ये देखें अब टमाटर गलना शुरू हो गए हैं। अब इनकी थोड़ी सी भुनाई करूंगी, फिर करेले रेडी हो जाएंगे। लो जी करेले हो गए हैं रेडी। अब चूल्हे को बंद करती हूँ। अब इनको प्लेट में निकालती हूँ। ये है करेलों की फाइनल लुक।